नमस्कार फ्रेंड्स, आयुर्वेद की अवेयरनेस की आज की श्रृंखला में हम एक ऐसी वनस्पति की बात करने जा रहे हैं जो वनस्पति के रूप में एक न्यूट्रिशन का खजाना है। हालांकि ये चीज जो है वो 5-7 हज़ार पूर्व आयुर्वेद में इतनी वर्णित नहीं मिल रही है, और कहीं कहीं पे जो वर्णन मिल रहा है तो हम ऐसी मान्यता करते हैं कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो ये जो चैप्टर है वो बाहर से बाद में काफ़ी समय बाद हमारे ग्रंथ में या शास्त्र में एड हुआ होगा। वो वनस्पति का नाम है बीट रूट या टेबल रूट। उसको टेबल पे खाने के लिए लेते हैं तो टेबल रूट बोलते हैं, और बीट रूट है वो पूरा नाम है, वो बाहर से आया हुआ है। जैसे कि ये चीज़ जो है वो बाहर से आई हुई है, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन या अमेरिकन वगैरह कहाँ से आया है, वहाँ बहुत ही उसका प्रचुर मात्रा में उपयोग होता है और वहाँ काफ़ी व्यंजन इसके बनावट में मिलते हैं। वहाँ स्मूदी भी मिलती है, पाउडर पे मिलता है, एसेंस भी मिलता है, सलाद में खाते हैं और डेली जूस का भी सेवन करते हैं। वो लोग काफ़ी कुछ मात्रा में इसका इस्तेमाल करते हैं। हालांकि भारत में भी काफ़ी टाइम से हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसका नाम है हिंदी में चुकंदर। चुकंदर के नाम से जाना जाया ये जो बीट रूट है वो वैसे देखा जाए तो जमीन के अंदर है, मतलब ये जमीनी कंद है, और कंद के हिसाब से ये नीचे होता है। ये काफ़ी कुछ हार्ड रहता है, जब फ्रेश हमारे पास आता है तो काफ़ी कुछ हार्ड होता है। ये थोड़े दिनों में फिर इसकी स्किन है वो सिकुड़ जाती है और ये सॉफ्ट होने लगता है, तब उसका न्यूट्रिशन उतना नहीं रहता है। लेकिन ये वैसे देखा जाए तो ये जो फ्रेश जब मिलता है तब बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। इसके ऊपर जो जमीनी कंद के ऊपर जो भाजी आती है, जो पत्ते आते हैं, तो वो पत्ते की हम लोग भाजी बना के खा सकते हैं, वो भी स्वादिष्ट होती है, और ये भी इसका इस्तेमाल भी हम अच्छी तरह से खाने में कर सकते हैं। लेकिन खाने में जो भी चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं उनका हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या मिल रहा है, उसमें से बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं, क्या हम कभी उसकी मात्रा बराबर लेने के बावजूद भी हमारे शरीर को नुकसान नहीं कर रहे हैं ना, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, ये टेबल रूट या बीट रूट के नाम से जाना जाया ये जो पदार्थ है वो शुगर बीट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें शुगर की मात्रा, शर्करा का जो प्रमाण है वो बहुत मात्रा में है, वो 10% के करीब है। इसके अलावा ये बीट रूट में प्रोटीन्स है, फाइबर है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, मिनरल्स है, फोलेट B9, विटामिन है और नाइट्रिक ऑक्साइड भी है। ये हमारे शरीर में जाके कैसे काम करता है वो आज हम बताते हैं, और किस चीज़ पे काम करते हैं वो बताते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से इसका एक विघटन किया गया है कि ये किस चीज़ हो सकती है, वायु करता है, पित्त करता है, कफ करता है, और क्या क्या फ़ायदा करता है, क्या क्या गैर फायदा करता है, और इसके साथ कॉम्बिनेशन में हमें हमेशा क्या क्या चीज़ लेनी चाहिए। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि ये जैसे कच्चा बीट रूट है, जैसे अभी हमने निकाला है सब्जी वाले से हम लेके आते हैं, तो इसको साफ़ करके फिर इसकी स्किन निकाल देनी है, तो स्किन निकालने के बाद ये एकदम ही ऐसा रेड या मरूनिश हो जाता है। आप देख सकते हैं कि इतना रेड ये होता है। तो ये जो रेड होता है उससे आयन की जो मात्रा है इसमें इतनी है कि ये आयन हमारा बढ़ाता है। तो वैसे देखा जाए तो ये बीट रूट का जूस बहुत ही अच्छा रहता है। लोगों को एनीमिया जब होती है, मतलब बच्चों को, गर्भवती स्त्रियों को, या जिसको महावारी बहुत आती है या पाइल्स की प्रॉब्लम है, उनको बहुत ही ब्लीडिंग होता है, तो उस टाइम उनके खून में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, उनका खुद का खून भी कम हो जाता है, तो उसी दौरान तात्कालिक अच्छी तरह से स्टेमिना देने के लिए ये ऐसे बीट रूट का, कच्चे बीट रूट का जूस का सेवन बहुत ही फायदा करता है। इसके साथ साथ एक ऐसा भी रिसर्च आया है कि हार्ट की हेल्थ को भी ये बरकरार करता है, मतलब हार्ट की हेल्थ में हेल्प भी करता है। कैसे? क्योंकि इसमें जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो एक हार्ट की जो धमनियाँ है उसमें काठिन्य आ जाता है, मतलब हार्ड हो जाती है जो नलियाँ हैं, वो ब्लड लेके जाने वाली नलियाँ हैं वो सब हार्ड हो जाती है। तो इसके सेवन से, इसमें जो पदार्थ है इसकी मौजूदगी के कारण जो हमारी नसों में है वो ब्लड फ्लो अच्छी तरह से बहने लगता है, और एक नसों को लवचिकता प्रदान करता है। इसके कारण क्या होता है कि जो हार्ट में खून लेके जाने वाली नलियाँ हैं
वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है और फ्लो अच्छी तरह से होता है, तो इसके कारण ब्रेन स्ट्रोक में और हार्ट की हेल्थ में ये बहुत ही फायदा करता है। इसके साथ साथ इसमें बाकी की जो न्यूट्रिशन की मौजूदगी है तो ये इमीडिएटली शर्करा के कारण आपको ताकत देता है। तो जो जिम करते हैं या जिसको बहुत ही फिजिकल एक्सरसाइज रहती है, घर का काम बहुत रहता है, बाहर आप बहुत काम करते हैं, तो उनको ये बीट रूट का जूस का सेवन अच्छी तरह से करना चाहिए। बीट रूट दो हिसाब से आप खा सकते हैं, एक तो कच्चा खा सकते हैं और दूसरा आप उसको बॉइल करके खा सकते हैं। जैसे कच्चे में तो आप देखे जाए तो कद्दूकस कर सकते हैं या फिर इसका जूस निकाल के पी सकते हैं। इसके अलावा आप बीट रूट का हलवा भी बना सकते हैं, मतलब व्यंजन भी अच्छी तरह से बना सकते हैं। बीट रूट में अच्छी तरह से एक बीट रूट को अच्छी तरह से नींबू के रस में डुबो के भिगोने के बाद 5-6 दिन के बाद अगर आप खाएंगे तो थोड़ा सा फर्मेंटेशन होगा और उसका टेस्ट बहुत ही बेहतरीन आता है। उसमें आप नमक डाल सकते हैं, सेंधा नमक डाल सकते हैं, काला नमक डाल सकते हैं, हींग डाल सकते हैं, ये सब चीज़ें हैं। वो जो बीट रूट की प्रकृति है वो वायु प्रकृति है और कभी कभी वो पेट में पीने के बाद वो गड़बड़ाहट करता है या फिर किसी किसी को डायरिया हो जाता है तो उसमें बहुत काम आता है। ये जो हम दो चीज़ बताते हैं और ये एक तीसरा है वो इसके साथ बहुत ही फ्रेंडली जाता है। बीट रूट के जूस जिसको सेवन करना है उनको ये चीज़ें अंदर मिला के लेनी चाहिए। जैसे आप आधा ग्लास बीट रूट का सेवन करना चाहते हैं तो आधा टुकड़ा आपको अदरक का डालना है, आधा टुकड़ा आपको हल्दी डालनी है या फिर आधा चम्मच हल्दी मिलानी है, काला नमक डालना है और लेमन जूस डालना है। तो इससे ये टेस्टी भी बनता है और दूसरा पचने में बहुत फ़ायदा करता है। जिसका हाजमा बराबर रहता है उनको हीमोग्लोबिन भी तुरंत तुरंत अच्छी तरह से बनता है। जैसे हमने बताया कि ये बीट रूट है वो ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट के लिए जैसे बहुत ही फायदे करता है, एनीमिया में बहुत फ़ायदा करता है, उसी हिसाब से देखा जाए तो वो स्किन और हेयर पे भी उतना काम करता है। तो ये स्किन और हेयर में भी इसका एक ऐसा तत्व है कि वो जो तत्व है वो हाइड्रेट करता है हमारे स्किन को। तो जैसे एलोवेरा है या ककड़ी का है जूस वगैरह, खीरा ककड़ी का जूस, तो उसके साथ अगर बीट रूट को मिला के उसके स्किन पे लगाने के बाद वो जो डार्क स्पॉट होता है या जो उसको पिगमेंटेशन की शुरुआत होती है वो बहुत ही फ़ायदा करता है, वो लगाने से काफ़ी कुछ फ़ायदा होता है। जैसे हमने बताया कि बीट रूट आप कच्चा ले सकते हैं, उसी हिसाब से आप बॉयल किया हुआ भी ले सकते हैं। बॉयल किया हुआ बीट रूट का फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि वो तुरंत आपको हजम हो जाता है। तो उस इसको और बॉयल बीट रूट किया है उस दोनों के हाजमे होने के टाइम में काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये है वो लो प्रेशर कर देता है क्योंकि ब्लड का जो फ्लो है, वेसल्स का जो फ्लो है ये एकदम बढ़ाता है, तो कभी कभी किसी का बीपी डाउन भी हो सकता है। हालांकि ऐसे बहुत कम केस देखने को मिलते हैं, फिर भी क्योंकि इसमें शुगर की मात्रा भी तो अधिक है। तो जैसे देखा जाए तो ये बीट रूट का आप हलवा बना के ले सकते हो। मैंने बताया ऐसा पूरा ये बीट रूट है उसको डुबो दो नींबू के रस में और बाद में उसका अचार बना के खाओ तो भी वो डाइजेशन करता है। तो डाइजेशन के कारण जो भी आपको बाकी का न्यूट्रिशन चाहिए वो सब मिल जाता है, बॉडी ही उत्पन्न कर देता है। उसी हिसाब से देखा जाए तो ये बालों में भी आप लगा सकते हैं। आजकल बालों को डिफरेंट डिफरेंट कलर करने की बहुत फैशन चली है और केमिकल वाले जो भी डाई आप इस्तेमाल करते हैं वो बेशक आपके बाल को तो नुकसान करता ही है, लेकिन उसमें वो डाई में कार्सिनोजेंस होते हैं जो कि कैंसर करता है। तो हमें हमारे पास जो चीज़ें नेचुरल अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो ऐसे बीट रूट का कद्दूकस किया हुआ जूस निकालिए और उसको तेल में मिला के लगाइए या फिर जब भी आपको मौका मिले तब आप बाल धोने के बाद ये बीट रूट का जूस है उसको निकाल के लगाते रहेंगे। तो मेहंदी में लगाएंगे तो आपके बाल का एक अलग कलर आएगा और इसमें ऐसे प्रॉपर्टीज है कि जो जंतु भी थोड़े दूर करती है, तो जो स्कैल्प में डैंड्रफ होता है उसको भी ये दूर करता है। वैसे देखा जाए तो बीट रूट सबको लेना चाहिए, छोटे को, बड़े को, बूढ़े को,
एनीमिया वाले पेशेंट को, हेल्दी पेशेंट को, जिसको हार्ट प्रॉब्लम ना हो, उसके सेवन के लिए, उसके कारण भी लेना चाहिए। मतलब ये प्रिवेंशन भी कर सकता है, लेकिन किसको नहीं लेना चाहिए ये भी आज हम बताते हैं। जिसको डायबिटीज़ है उनको इसका सेवन बहुत लिमिटेड मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि इसमें शुगर की मात्रा बहुत है, प्लस इसमें एक ऐसा तत्व है कि वो डायरेक्ट ही आपका ब्लड प्रेशर लो कर सकता है। हालांकि दोनों चीज़ जुड़ी हुई है, तो आप खान पान में जैसे डायबिटीज़ में ध्यान रखते हैं, उसी हिसाब से चुकंदर का जो जूस है वो आपको कब लेना है, कितना लेना है, वो आपकी डायबिटीज़, आपकी डेली लाइफस्टाइल, आपकी बाकी की मेडिसिन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन रोज़ाना ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 200 ग्राम जूस आपको लेना है। तो पहली बात तो हो गई डायबिटीज़ के पेशेंट। दूसरी बात है कि जो पेशेंट ओवरवेट है या ओबेसिटी है, तो उनको भी इसका इस्तेमाल या इसका सेवन है वो ताकत के लिए बराबर है, लेकिन डेली नहीं करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो इसमें कोई खटाई वाला फ्रूट जैसे एप्पल वगैरह मिक्स करके आप ले सकते हैं। ग्रेप्स बिल्कुल नहीं डाल सकते क्योंकि उससे भी वज़न बढ़ता है। तो जो ओबेस पेशेंट है या ओवरवेट पेशेंट है, उनको डेली इतना जूस या बीटरूट का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एक ऐसा भी है कि बीटरूट लेने के बाद किसी किसी को बहुत ही डायरिया हो जाता है। तो जिसको डायरिया होता है, तो आयुर्वेद कहता है कि जहाँ पे वायु की उपस्थिति होती है वहाँ बिल्कुल ही गड़बड़ाहट होती है। तो जिसको वायु है, जिसको डायरिया है, तो उसको ये इसलिए नहीं लेना चाहिए कि इसमें बहुत ही मात्रा में फाइबर है। तो जो भी फाइबर फूड है वो आपको पेरिस्टाइलिसिस बढ़ा देता है, आंतों का जो हलन चलन है मूवमेंट बढ़ा देता है, और फिर डायरिया हो जाता है। तो फ्रेंड्स, होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। ये एक ऐसी जो गीत है उसकी पंक्तियाँ मुझे याद दिलाता है कि जिसने कहा है कि मोहे रंग दो लाल, मतलब ये बिल्कुल ही लाल गुलाबी आपका चेहरा कर देता है, आप में खून इतनी मात्रा में बढ़ा देता है कि इसका अच्छी तरह से सोचा समझा उपयोग अगर आप करेंगे तो आपको बेशक ये फ़ायदा देगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी आपके कमेंट्स दीजिए। और सेकंड थिंग कि जब भी खाइए तब आप ये सब चीज़ों का साथ में इस्तेमाल करिए। सिर्फ बीट के फ़ायदे ज़्यादा बढ़ाने के लिए भी इसका सपोर्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें।